हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रीट 2022 के सिलेबस की। इस वीडियो में इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसके साथ ही जो लोग सब्जेक्ट वाइज इसके सिलेबस के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लेवल वन की। इसमें लेवल वन और लेवल टू दो एग्जाम होंगे। तो लेवल वन में अगर बात करें तो जो लोग कक्षा एक से पांचवी तक के टीचर बनना चाहते हैं उसके अप्लाई करने वाले हैं, वो लोग लेवल वन का एग्जाम देंगे। इसमें टोटल 150 नंबर का पेपर होगा और 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसके पहले पार्ट में आपसे बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सेकेंड पार्ट आपका जो है लैंग्वेज फर्स्ट का होगा। इसमें आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं। एक लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि 30 नंबर के होंगे। और थर्ड पार्ट आपका जो है भाषा सेकंड का है। इसमें आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इसमें से कोई एक भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपके 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस, जो कि 30 नंबर के होंगे। इसके बाद जो चौथा पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट, वो है मैथ का, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होंगे, 30 नंबर के होंगे। इसके बाद जो पांचवा पार्ट है उसमें पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे। तो टोटल जो है लेवल वन में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 150 नंबर के होंगे, और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर के लैंग्वेज की बात करें तो इसमें क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, पेपर बाइलिंगुअल होगा। तो अब बात करते हैं लेवल टू की। लेवल टू जो है कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए है। इसमें भी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें पहला टॉपिक आपका जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां है, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे। सेकंड पार्ट में भाषा वन से आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इनमें से कोई एक भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और थर्ड पार्ट आपका जो है भाषा सेकंड का है। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इनमें से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी 30 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे। फोर्थ पार्ट की बात करें तो इसमें 3 पार्ट है, ए, बी, सी। ए पार्ट उन लोगों के लिए है जो गणित और विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं, उनसे गणित और विज्ञान विषय से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 60 नंबर के हैं। और अगर सामाजिक अध्ययन के शिक्षक की बात करें तो उनसे जो है सामाजिक अध्ययन विषय से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी अन्य विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो या आप गणित एवं विज्ञान विषय ले सकते हैं, या फिर आप सामाजिक अध्ययन विषय ले सकते हैं। इनमें से दो में से आपको कोई चुनना होगा एक, और जिससे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब बात करते हैं इसके डिटेल सिलेबस की। सबसे पहले बात करेंगे लेवल वन के सिलेबस की, जिसमें पहला पार्ट आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि है। और जो लोग इसकी घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, अनअकैडमी द्वारा उनके लिए नए बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं। आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी द्वारा टेट और सीटेट के एग्जाम्स के लिए नए बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं। आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाएंगी, सारा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको, सारे प्रीवियस बैच एक्सेस करने को मिलेंगे, इसके साथ ही नए बैच एक्सेस करने को मिलेंगे। इसमें आपके लिए अनलिमिटेड एक्सेस होगा, जिसमें सीटेट और सभी स्टेट्स के टेट एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं। आप यहां पर व्यू प्राइसिंग पे क्लिक करें, उसके बाद आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करें, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आप देख सकते हैं यहां पर आप प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक करें, इसके बाद आप देख सकते हैं इस प्लान पे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला है, तो आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर बाल विकास एवं शिक्षण विधि की बात करें तो आप इसका PDF भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इस लिंक पे क्लिक करें तो आपके सामने कुछ इस तरह से PDF खुलकर आएगा। तो इसमें अगर सिलेबस की बात करें, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कक्षा 1 से 5 तक लेवल 1, तो टोटल इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे। बाल विकास में इसकी वृद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के सिद्धांत और आयाम, तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक तथा तत्व, इन सब के बारे में पूछा जाएगा, तथा अधिगम से उनका संबंध क्या है। इसके अलावा वंश क्रम तथा वातावरण की भूमिका क्या क्या है, इन सब के आपसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और अधिगम का अर्थ पूछा जाएगा, संकल्पना पूछी जाएंगी, इसकी प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं, और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व क्या कौन कौन से हैं, और अधिगम के सिद्धांत क्या होते हैं और इसके अभिप्रेत, इन सबसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और एक बालक में चिंतन तथा अधिगम क्या होता है उसके बारे में पूछा जाएगा। अभिप्रेरणा और अधिगम की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ पता होना चाहिए, उसके प्रकार और पहचान पता होनी चाहिए। साथ ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भाषा, जाति, लिंग तथा समुदाय के आधार पर आपको समझना होगा। उन सबसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अधिगम की कठिनाइयों के बारे में पूछा जाएगा, समायोजन की संकल्पना और तरीके, साथ ही समायोजन में अध्यापक की क्या क्या भूमिकाएं हैं, और शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचनाएं एवं विधियां, साथ ही आकलन, मापन तथा मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण तथा क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में पूछा जाएगा, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूछा जाएगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सिलेबस था, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो इसमें आपसे परिवार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वस्त्र एवं आवास के बारे में पूछा जाएगा, व्यवसाय तथा सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, हमारी सभ्यता और संस्कृति, साथ ही परिवहन और संचार तथा अपने शरीर की देखभाल, सजीव जगत तथा पदार्थ एवं ऊर्जा के बारे में पूछा जाएगा, और पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समाकलित पर्यावरण अध्ययन तथा पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत, साथ ही विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के साथ अंतर संबंध एवं क्षेत्र, संकल्पना प्रस्तुतिकरण के उपागम और क्रियाकलाप, साथ ही प्रयोगात्मक तथा प्रायोगिक कार्यों के बारे में चर्चा से संबंधित, समग्र एवं सतत मूल्यांकन तथा शिक्षण सामग्री और सहायक सामग्री और शिक्षण की समस्याओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं हिंदी में आपसे जो है शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव तथा देशज और विदेशी शब्द तथा पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय तथा संधि और समास के बारे में पूछा जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना होगा, वचन, काल और लिंग ज्ञात करना होगा, दिए गए शब्दों का वचन और काल तथा लिंग बदलना होगा। इसके अलावा वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार तथा पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियां पूछी जाएंगी, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम तथा भाषा दक्षता का विकास, साथ ही भाषाई कौशलों का विकास जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां तथा शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक तथा बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधनों के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही आपसे भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन तथा उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पूछा जाएगा। और अगर गणित की बात करें तो गणित में जो है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना तथा गणितीय मूल संक्रियाएं जिसमें जोड़, गुणा, भाग, घटाना तथा भारतीय मुद्रा के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना तथा मिश्र भिन्न और असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, इसके अलावा भिन्नों की जोड़, बाकी, साथ ही अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनफल, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पूछा जाएगा, एकिक नियम, औसत, लाभहानि और सरल ब्याज के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा समतल एवं वक्रतल, समतल तथा ठोस ज्यामिति आकृतियां, समतल ज्यामिति आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु रेखा, किरण तथा रेखाखंड, कोण और उसके प्रकार के बारे में पूछा जाएगा, साथ ही लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन और इनकी मानक इकाई तथा उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्गाकार और आयताकार वस्तुओं के पृष्ठतल का क्षेत्रफल और परिमाप पूछा जाएगा, साथ ही गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति के बारे में पूछा जाएगा, और पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा तथा सामुदायिक गणित के बारे में पूछा जाएगा, औपचारिक तथा अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन तथा शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित तथा उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पूछा जाएगा। तो ये था लेवल 1 का सिलेबस। इसी तरह लेवल 2 का सिलेबस है, यहाँ पर सारे PDF दिए गए हैं, आप डाउनलोड हेयर बटन पे क्लिक करके सारे सिलेबस सब्जेक्ट वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।